गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आए हो सब बढ़िया होंगे। और मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, और तो फिर कपड़े वपड़े रेडी करते हैं और फिर निकलते हैं रास्ते में, और तुमको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो यार गाइस, मैं अपना चार्जर ले ले रहा हूँ, चार्जर और क्या बोलते हैं पावर बैंक भी ले लेता हूँ, कि पावर बैंक बहुत ज़रूरी है रास्ते पर, क्योंकि मेरा फ़ोन जल्दी डेट हो जाएगा इसलिए। और पैंट शर्ट वगैरह भी ले रहा हूँ, पैंट शर्ट वगैरह डाल दिया कर दो। तो फाइनली गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ अभी, और मैं जा रहा हूँ गांव को, क्योंकि गांव में शादी थी 12, 13, 14 का। तो मैं 11 को भी नहीं जा पाया, 12 को भी नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को काम आ गया था थोड़ा नागपुर में, इसलिए मैं जा नहीं पाया। अभी 14 को रिसेप्शन में जा रहा हूँ, तो अभी रास्ते में हूँ। जस्ट यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा कम से कम, बालाघाट, बालाघाट के थोड़ा आगे है गाँव, और वो मेरे रिलेशन में शादी है। और फ्यूल मीटर का देखो, टिप टप हो रहा है, पेट्रोल वगैरह डालते हैं सामने से फ्यूल वगैरह। मैं सोच रहा था नागपुर के थोड़ा बाहर अगर तक गाड़ी तक चल जाए ना, तो वहाँ से कैसे थोड़ा अपने को पेट्रोल वगैरह सस्ता मिल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा हाईवे वगैरह से अच्छा सा डालने की सोच रहा हूँ। तब तक तो सही से चल जाएंगी अपनी गाड़ी। गर्मी बहुत है, हद पर गर्मी है। मैं निकलने वाला था सवेरे निकलने वाला था मैं, सवेरे क्या हुआ, सवेरे भी थोड़ा काम आ गया था, तो काम से मैं थोड़ा बाहर चले गया था। फिर आया मैं 12, 12:30 बजे आया घर को। उसके बाद में सोचा कि अभी निकलते हैं, क्योंकि नाइट में क्या है, वहाँ पे शेर वगैरह निकलते हैं, वहाँ पे भालू वगैरह निकलते हैं। ओ भाई वाह, सही है। तो हेलो गाइस, मैं निका पहुँच चुका हूँ गांव के, बस करीब ही हूँ, आधे घंटे करीब रास्ता है यहाँ से, उसके बाद मैं पहुँचने वाला हूँ घर। तो गाइस, मेरा होल्डर जो है, जो ब्लॉगिंग के टाइम पे नहीं, उसका स्प्रिंग नहीं क्या, स्प्रिंग निकल चुका है, जब जैसे वो पनता है ना, वो नहीं क्या टूट चुका है। इसके लिए बताया कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ गाड़ी पे, इसके लिए मैं अभी एक जगह रुका हूँ, भंडारा के आगे, तुमसर के आगे एक ये ब्रिज है ना, जस्ट ये ब्रिज पे ही बताया कि मैं रुका हूँ। तो सोचा मैंने कि चलो आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप नाराज मत होना कि मैं पूरा ब्लॉग नहीं कर पाया। तो मैं वहाँ से यहाँ तक ब्लॉग कर चुका हूँ, उसके बाद आपको शादी का सीन दिखाता हूँ पूरा। मैं वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने जस्ट उसको हल्का सा ही खींचा ना, तो वो कैसी टूट गया है। अब देखता हूँ, और अगर लाल बर्रा करके है, सहरसमानी है वो बोलो तो थोड़ा सा, तो अगर वहाँ पर अगर वो सुधर जाता है तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ वहाँ पे सुधार उधार के, नहीं क्या आज से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँगा, आपको पूरा रास्ता दिखा दूँगा। पर जो बात है, अभी तो कर नहीं पाऊँगा मैं गाँव जाने तक। तो गाइस, फाइनली मैं गाँव आ चुका हूँ, और मुझे गाँव आने में बहुत टाइम हो गया, तो मैं डायरेक्ट रिसेप्शन में ही आ गया। तो और यहाँ पे पब्लिक देखो, कितनी सारी पब्लिक, और कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे सबके सब, बहुत ही हार्ड, पूरा फुल फॉर्म में। तो चलो हम भी इन्जॉय करते थोड़ा। गाइस, आज का दूसरा दिन है, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सुरन लाने के लिए। सुरन मतलब वो मोटा मोटा सुरन रहता है, तो वो लाने जा रहे हैं। देखो नज़ारा देखो, तो जा रहे अज्जू और क्या बोलते मेरा मामा, अज्जू और मामा, हम दोनों हम लोग जा रहे हैं। और बहुत पागल हो गया पूरा खेत में चल चल कर मैं। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका अपने चाचा के घर पे, और देखो अज्जू, अज्जू देखो काम कर रहा मेरे भाई। अबे चेहरा पर क्या काम कर रहा बोल रहा है। और इधर इधर ये साइड में मेरे चाचा का घर बन रहा है, देखो ये देखो, ये बोला भाई, ये बोला भाई काम कर रहा है। अबे देवन भाई, देवन भाई, देवन भाई काम कर रहा। ये टूट चुका था मेरा, इसकी स्प्रिंग रहती है ना, वो निकल गई है, और वो स्प्रिंग मतलब ये टूट ही गया है, समझ के चलो किसी काम का नहीं, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। और रास्ते में मुझे कुछ ऐसा कोई साधन था नहीं जिससे मैं ब्लॉग कर सकूं, तो रास्ते में ब्लॉग नहीं कर पाया मैंने। बालाघाट है, बालाघाट शहर है, और अमोली करके नागपुर से ये 200 किलोमीटर दूर है। बस तो बच्चे पहुँचा मैं, अभी ब्लॉगिंग कर करके जो कुछ है ये टूट चुका है, तो अभी मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा अभी कैसे ब्लॉगिंग करूँ कैसे नहीं। तो गाइस, इस व्यू के साथ वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट में बताना आपको क्या पसंद आया क्या नहीं।
और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना नहीं भूलना, मुझे इंस्टा पे फटाफट फॉलो कर दो। तो तब तक मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।